हरियाणा H9PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। KMP पर धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने पहुंचे स्थानीय विधायक जयवीर सिंह। शुक्रवार को पीपली टोल प्लाजा पर जमीन का मुआवजा बढ़ाने को लेकर धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए स्थानीय विधायक जयवीर सिंह पहुंचे। विधायक जयवीर सिंह ने कहा कि किसान जमीन मुआवजे की कीमत बढ़ाने को लेकर धरना दे रहे हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जबकि KGP KMP मार्ग का ही हिस्सा है। सरकार ने KGP को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया हुआ है, जबकि KMP मार्ग को कोई भी दर्जा नहीं देकर सरकार किसानों को गुमराह कर रही है, ताकि किसानों को उचित मुआवजा ना मिल सके। कुंडली से मानेसर तक लगभग 4 टोलों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का टोल लोगों से वसूला जा रहा है, इसलिए सरकार को चाहिए कि KMP मार्ग का दर्जा स्पष्ट करके किसानों को राष्ट्रीय राजमार्ग के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। कि आज सरकार की, चाहे केंद्र सरकार है, चाहे स्टेट सरकार, राज्य सरकार, यहाँ खासकर किसानों पे हर तरह की मार पड़ रही है। आज ये धरने पे जिस पे हम आए हैं, ये जमीन के मुआवजे के ऊपर किसान बैठे हैं, क्योंकि ये किसान इसलिए बैठे हैं कि इनका जो मुआवजा था वो सही ढंग से इनको नहीं मिल रहा, क्योंकि जबकि KGP इसी का हिस्सा है, वो तो नेशनल हाईवे में माना जाता है, और इसको KMP को कोई भी दर्जा सरकार की तरफ से नहीं शो कर रहे, जबकि हमारे यहाँ से ये अपना कुंडली से 13 किलोमीटर नेशनल हाईवे मान रहे हैं, क्योंकि सरकार इनको गुमराह करना चाह रही है, ताकि किसान को सही मुआवजा ना मिल पाए। अगर नेशनल हाईवे घोषित करते हैं ये, तो इनको उचित मुआवजा देना पड़ेगा, जबकि सरकार इस पे मानेसर से लेके यहाँ तक, पलवल से लेके यहाँ तक 4-4, 5-5 टोल लगा रखे है, वो नेशनल हाईवे का टोल वसूल करे, तो फिर किसानों के साथ जाति कैसे है? किसानों को मुआवजा सही ढंग से क्यों नहीं दिया जा रहा? तो सरकार इस बात को स्पष्ट करके किसानों का जो मुआवजा बनता है, जैसे नेशनल हाईवे का होता है, वैसे ही किसानों का इनका भी दिया जाए। सरकार जिस तरह की बात तो हमने भी की थी IMT, तो ये IMT इसलिए एक बार की गई थी ताकि हमारे एरिया के लोगों को रोजगार का साधन हो और किसान को उचित मुआवजा भी मिले। इसके साथ ही सरकार किसान, जैसे भाई जमीन तो एक बार कर ली, पैसा भी दे दिया गया, तो ये सरकार के प्रॉफिट के लिए नहीं थी। इसमें भी सरकार और कंपनियों को करोड़ों, जो लाखों रुपए की जमीन लेके और करोड़ों रुपए में बेची जा रही है, तो ये सीधा किसान को फायदा होना चाहिए, उसका प्रॉफिट का हिस्सा किसान को मिलना चाहिए। तो इस तरह की जातियाँ किसान के ऊपर हो रही है, और वो तो रहेगी बाकी, कहीं इनके फसल के मुआवजे की बात आती है, कहीं बीमे की बात आती है, कहीं भी सरकार की तरफ से किसान को कोई सहयोग नहीं मिल पा। आज मैं इनके बीच में आया हूँ और इनकी जो जो तकलीफें वो मैंने सुनी हैं और मैंने नोट भी कर ली हैं। मैं इसको विधानसभा में एक एक सवाल का जवाब सरकार से पूछेंगे, और इस बात की मैं लड़ाई इनके साथ लड़ता रहूँगा। जब तक किसान को सही न्याय नहीं मिलता, उचित मुआवजा नहीं मिलता, मैं इनके साथ लड़ाई लड़ता रहूँगा। खरखुदा कन्या महाविद्यालय खरखुदा की दो छात्राओं ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के अंतर महाविद्यालय ग्रैपलिंग खेलकूद प्रतियोगिता में छात्रा शिवानी ने 50 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, और छात्रा सिमरन ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में महारानी किशोरी जाट कॉलेज रोहतक की छात्रा को हरा कर गोल्ड मेडल हासिल किया। कॉलेज पहुंचने पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉ योगिता मलिक द्वारा खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। शारीरिक शिक्षा विभाग की खेल प्राध्यापिका डॉक्टर दर्शना दहिया ने बताया कि छात्राएं अभी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की टीम में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों में हिस्सा लेंगी, और यह दोनों छात्राएं पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेकर आ चुकी हैं।
राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता में 3 पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य। राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता जो कि केरल में आयोजित हुई, जिसमें प्रताप स्कूल खरखुदा के खिलाड़ियों ने 1 रजत व 2 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक प्राप्त कर हरियाणा प्रदेश सोनीपत जिले ब्लॉक खरखुदा प्रताप स्कूल खरखुदा व अपने माता पिता का नाम रोशन किया। पदक विजेता खिलाड़ियों में गौरव चौधरी ने रजत पदक, युवराज व योगेश ने कांस्य पदक। पदक विजेता खिलाड़ियों का प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य, फेंसिंग कोच लोकेश राणा, बॉक्सिंग कोच नवीन, संदीप लखी, नेटबॉल कोच संसार दहिया, एथलेटिक्स कोच रविंदर व सतबीर फौजी ने फूलमाला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। सरपंच आशीष दहिया बने सरपंचों के प्रधान। खरगुदा बीटीपीओ कार्यालय में धरने पर बैठे सरपंचों ने प्रदर्शन करते हुए राइट टू रिकॉल व ई टेंडरिंग का विरोध दर्ज कराया। इसके अलावा सरपंचों ने दोपहर बाद खरगुदा ब्लॉक के सरपंचों का प्रधान थाना कला के सरपंच आशीष दहिया, उप प्रधान प्रमोद कुमार सैदपुर के सरपंच, कैशियर झरोठी सरपंच जोगिंदर को सर्वसम्मति से चुना गया। तीनों पदाधिकारियों का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। वहीं 50% महिलाओं के आरक्षण को देखते हुए जहां करीब 30 सरपंचों में मात्र 2 महिलाएं सरपंचों ने ही अपनी भागीदारी दिखाई और सरकार को गाँव के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रांट देने की बात कही। थाना किला के सरपंच आशीष ने कहा कि सरकार को 25 लाख रुपए की ग्रांट से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की काम काज ई टेंडरिंग के बजाय सरपंचों की देखरेख में कराने चाहिए। इसके बाद बिदलान गांव के सरपंच सुभाष ने कहा कि सरकार अब तक भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाई तो उसके दोषी सरपंचों को क्यों माना जा रहा है। इसके बाद बरोना के सरपंच पति बबलू प्रधान ने कांग्रेस राज का हवाला देते हुए बताया कि हुड्डा राज में सरपंचों को करोड़ों रुपए की विकास कार्य करवाने की छूट थी। सरकार बदली तो क्या कानून और संविधान में भी साथ ही बदल गया। शिक्षा व समाज उत्थान में चौधरी पीरू सिंह का विशेष भूमिका। ब्रिगेडियर गुरुकुल मटिंडू के 109वें स्थापना दिवस पर छात्राओं ने प्रस्तुत किए कार्यक्रम। शुक्रवार को गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मटिंडू में समाज सुधारक एवं स्वतंत्रता सेनानी चौधरी पीरू सिंह की पुण्यतिथि पर गुरुकुल मटिंडू का 109वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर संस्थापक चौधरी पीरू सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। गुरुकुल मटिंडू शिक्षा परिषद के चेयरमैन ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया ने कहा कि समाज सुधारक एवं स्वतंत्रता सेनानी चौधरी पीरू सिंह ने अपने अथक प्रयासों से वर्ष 1915 में शिक्षा के क्षेत्र में एक महान कार्य करते हुए और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए गुरुकुल मटिंडू की स्थापना की थी। इस अवसर पर ब्रिगेडियर सत्यदेव ने गुरुकुल की स्टाफ की सैलरी में 20% इजाफा किया, जबकि अध्यापकों की सैलरी में 30% इजाफा करने की घोषणा की। इस मौके पर चेयरमैन ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया, विमला देवी, आनंद प्रकाश, डॉक्टर सुमन बेनीवाल, प्राचार्य ज्योति मलिक, यशवीर शास्त्री जगजीत, उप प्राचार्य राकेश दहिया, संपूर्ण विद्यालय स्टाफ और उपस्थित अभिभावक गण ने मिलकर हवन में आहुति डाली। शुक्रवार को खरगुदा के विश्राम गृह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हरियाणा में चल रही छेड़छाड़ मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और जांच कमेटी में हरियाणा की खापों में से 5 प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि कोई संशय न रहे। उन्होंने कहा कि फेडरेशन में महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले की भी जांच होनी चाहिए व दोषियों को सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। इस मौके पर राजेंद्र दहिया, उमेश प्रधान चौबीसी, बीरबल, देवेंद्र दहिया, थानाकला सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस मौके पर यह भी चर्चा की गई कि दहिया खाप को एकजुट किया जाएगा और एक प्रधान को ही मान्यता दी जाएगी। दहिया चौबीसी ने स्पष्ट किया कि वे केवल एक प्रधान के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें एक प्रधान दिया जाए ताकि समाज में 2 प्रधानों वाली चर्चा समाप्त हो सके। उन्होंने कहा कि वे चौबीसी के विभिन्न तपों से बातचीत करके जल्द ही इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। चौबीसी प्रधान उमेश दहिया ने कहा कि वे समाज के उत्थान के लिए निरंतर आगे रहेंगे। एपी गर्ल पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखुदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफर नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ पुल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन, ट्यूबरक्लोसिस एंड इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक ब्रोनोस्कोपी,
डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक थायरोस्कोपी, प्लूरोड्रोसिस एंड इंट्राप्लूरल फिब्रिनोलोसिस, चेस्ट एंड एयरवेज डिजीज, स्लीप डिसऑर्डर्स एंड स्लीप स्टडी विद टिट्रेशन, एलर्जिक डिजीज एंड एलर्जी स्किन टेस्टिंग, पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग. प्लीज कॉन्टैक्ट डॉक्टर अविनाश चौहान. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डायल 705-65111. खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. धन्यवाद.